हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तिल की चिक्की बनाएंगे, तो चलिए तिल की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे हम एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे। गैस को हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरा तिल ले लिया है। तिल को हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। जैसे जैसे तिल गर्म होगा वैसे इसमें से चटकने की आवाज़ आती है। अगर चटकना बंद हो जाए तो समझिए कि तिल आपका रोस्ट हो चुका है। और ये रोस्ट होने के बाद हल्का सा फूल भी जाता है, इसका कलर हल्का गोल्डन भी हो जाता है। तो इसे बहुत देर तक ना भूनें। अगर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा आ जाएगा, इसीलिए बस इसे हल्का ही सा भूनें। तो देखिए ये हल्का सा फूल चुका है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये तिल बहुत जल्द रोस्ट हो जाता है तो इसे बहुत ज़्यादा ना भूनें। तो देखिए तिल को मैंने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम एक चम्मच घी डालेंगे। गैस को हम लो रखेंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरा गुड़ ले लिया है। तो जिस कटोरा से मैंने तिल लिया है उसी कटोरा से एक कटोरा गुड़ ले लिया है। तो आप जिस बर्तन से भी जितना तिल ले उतना ही आप गुड़ ले। तो गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे। ध्यान रहे कि गैस को हम लो ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं और मीडियम नहीं करेंगे, नहीं तो गुड़ में कड़वापन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होने लगा है, गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अगर हम चेक करना रहे तो हम थोड़ा सा पानी लेंगे, इसमें थोड़े से गुड़ के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। तो देखिए सारा गुड़ जो नीचे जाके बैठ गया है और ये इस तरह से चिपक रहा है अभी। तो ये अभी तैयार नहीं हुआ है, इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। तो यहाँ देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और इसमें से हल्की खुशबू आ रही है। अब हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए ये ऊपर तैरने लगा है और ये हल्का सा पहले इसके अपेक्षा ये कड़क हो गया है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें हम भुना हुआ तिल डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम बहुत तेजी से आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पाटा ले लिया है। आप कोई भी प्लेट या कोई प्लास्टिक की मोटी वाली थैली आती है वो भी आप ले सकते हैं। अगर प्लेट लेना है तो उसे उल्टा करके और उस पर घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर ले। तो यहाँ मैंने एक लकड़ी का पाटा लिया है, इस पर हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि चिक्की जो है वो इस पर चिपके नहीं। तो घी जरूर लगाएं। अब इस पर हम चिक्की के मिश्रण को डाल देंगे। बेलन में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब इसे हम फैलाते हुए बेलेंगे। तो पतला मोटा आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं। तो इसे फटाफट करें नहीं तो बहुत तेजी से ये जमने लगता है। बहुत जैसे जैसे ये ठंडा होते जाता है वैसे वैसे ये जमने लगता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है। इसी समय इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो चाकू में भी थोड़ा सा घी लगा लें और इसे हम कट कर लेंगे। आप जिस भी शेप में कट करना चाहते हैं उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। तो जब ये हल्का गर्म रहे तो ही इसे आप कट करें, नहीं तो ठंडा होने के बाद आप इसे नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 10 मिनट बाद ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ये देखिए कितना अच्छा चिक्की बना है। देखिए कितनी आसानी से ये टूट जा रहा है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड बना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो सभी चिक्की को हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए कितनी आसानी से ये निकल जा रहा है, बहुत ही अच्छी चिक्की बनकर तैयार हुआ है।
तो आप भी इस तिल की चिक्की को ज़रूर बनाएं। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी ये अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।